लॉकडाउन के दौरान आसानी से वीडियो बनाया गया और वायरल कर दिया गया। जहां जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, आखिर वीडियो बनाने के पीछे क्या है मकसद। शहर में दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। पास मतदान दोपहर में 1 बजे तक हो चुका था और मतदान तीव्रता से जारी है, इसमें गति आने की भी संभावना है। बड़नगर में लगभग 56% के आसपास मतदान हुआ है। सर, उज्जैन में जो है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फोटो वीडियो वायरल कर दिए हैं, मोबाइल प्रतिबंध होने के बाद। देखिए, दो घटनाएं ऐसी हुई हैं आज, इसमें एक वीडियो और एक फोटो इस प्रकार का आया है। दोनों घटनाएं हमारे द्वारा संज्ञान में ले ली गई हैं, दोनों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी ऐसे कोई बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ हुआ हो ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाया है, न केवल निर्वाचक एजेंट बल्कि जो जा रहे हैं मतदाता उनके भी मोबाइल फोन हम लोगों ने बाहर करवाए हैं। जो दो घटनाएं हुई हैं वो एक तरीके से फॉल्स रूप है, हम लोग उन पर कार्रवाई करें।